on YouTube and all, we students see a lot of motivational videos, okay? Mm-hmm. But that motivation stays for a day or two. Saath le jao unko. I want a source that please tell me how to keep the motivation. Sorry. Already given you the source. Take the motivational speaker along with you. Sara din aapki jaan dukhi kar dega. What's the source that we can have the motivation permanent? Means in short, how to keep the Josh high every time. How's the Josh, sir? Thank you. Good question. The question that has just been asked is, we watch motivational speakers on YouTube, and when we watch it, we all feel very high. The Josh is high. Do you watch a good movie and you come out of the theater and he's like, आजो किसने किसने आना है, है ना? कुछ लोग ऐसे पार्किंग में लड़ाइयां लेते रहते हैं उसके बाद एक मोटिवेशनल मूवी देख के आके, राइट? कुछ लोग इतना हाइपर उसमें ओके मोड में आते हैं, दे लाइक तूने देश को गंदा किया, मैं अभी देशभक्ति की मूवी देख के आ रहा हूँ. इट्स नेचुरल, वी ह्यूमन बींग्स आर इमोशनल क्रिएचर्स, यस नो? सो व्हेन वी हैव समथिंग दैट इज गिवन टू अस व्हिच इज ऑफ अ हाई इमोशनल इम्पैक्ट, यू लिसन टू अ पीस ऑफ म्यूजिक एंड यू फील हाई और लो. Depending on the song. There are some songs which make you feel low also, right? Then there are some of you are like, yeah, I know, sir, I know. And there are some songs which make you feel high as well. So we are emotional creatures, and what happens is the input in our environment is going to create an emotional high or emotional low. And that is meant to be temporary. Can I have your attention, please? What will you do with motivation 24 hours? Sona mushkil ho jayega, beta. फिर नींद की दवाइयां खाते फिरोगे. 11 बज गए, मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही. यस यस यस, यू नो आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस. घर वाले परेशान, बेटा सो जा, सोने का टाइम है. नहीं, मैं मोटिवेटेड हूं, मैंने वो दवाई खाई थी 24 आवर मोटिवेशन वाली. व्हाट विल यू डू इन द ट्रैफिक इफ देयर इज अ ट्रैफिक जैम एंड यू आर हाइपर मोटिवेटेड, लाइक मूव दिस, राइट? इट्स डेंजरस. फॉर दोज ऑफ यू हु शेव इन द मॉर्निंग, यू विल बी कटिंग योरसेल्फ एवरीवेयर, यू नो. If you're taking a shower, you're going to be slipping in the bathroom everywhere. You have to understand there are times we need to be motivated, there are times we need to be stable. Examination hall, not a good time to be motivated. You get my point? At your age, before examination hall, good time to be motivated. When you're feeling low, good time to be motivated. But you need to strike this balance between stability and motivation. Hua kya hai ki humne ek ye वहम डाल दिया है कि बस हर वक्त हर पर्सन मोटिवेटेड. डजंट हैपन यार, वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. वी विल गो थ्रू साइकल्स ऑफ एनर्जी आल्सो, ऑफ इमोशंस आल्सो. एंड सिंस यू आर वाचिंग अ वीडियो व्हिच इज टचिंग योर इमोशंस, अ गुड स्पीकर के पास ये पावर है दैट ही इज एबल टू अपलिफ्ट योर इमोशंस. और कई बार आपकी हवा निकालने की भी पावर होती है, ऐसे भी स्पीकर होते हैं, राइट? वी हैव पेरेंट्स ऐसी जॉब अच्छी करते हैं कई बार. यू हैव सम ऑफ आवर टीचर्स जो ऐसी बात, हां बेटा बहुत अच्छा चल रहे हो अभी इधर आओ. तो लफ्जों में, शब्दों में इतनी पावर है कि हम किसी की स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर सकते हैं. म्यूजिक में ये पावर है, स्पोर्ट्स में ये पावर है, एक्सरसाइज में ये पावर है. हाउ मेनी ऑफ यू प्ले स्पोर्ट्स और यू एक्सरसाइज एवरी डे, यू रन और यू डू समथिंग, एज सून एज यू फिनिश यू फील अ हाई, राइट? यू फील रिजुविनेटेड, राइट? एंड देन वो सारा दिन तो नहीं लास्ट होता. इस बात को ध्यान से समझिए, लंच ब्रेक में खाना खाते हैं, कोई बंदा बोले सर खाना खाने में बहुत मजा आ रहा है, पर सिर्फ मजा उतना टाइम ही आता है जितना टाइम मैं खाता हूं. वही कंपैरिजन हुआ ना, यूट्यूब पे वीडियो देखता हूं और मुझे उतना टाइम अच्छा लगता है जितना टाइम वीडियो देख रहा हूं, ठीक है? पर अब मैंने खाना खा लिया, अब वो फिनिश हो गया. मेरा आंसर होगा बेटा खाना खाते रहो सारा दिन. इज दैट पॉसिबल, यस और नो? मेरा खाना खाने का पर्पस क्या है? आई हैव अ पर्पस टू ईट. व्हाट इज द पर्पस? टू नरिश, to replenish, to energize, and then go out and do something, right? Some people choose not to do anything with it. Wo phir baith jate hain TV dekhne, khana khakar bhi. But the purpose of eating, khana khane ka uddeshya hai to replenish my energy so I can go out and do something, okay? Now, if that thing is not there, same way, your purpose of watching a motivational video is what? Ki mujhe kuch karna hai. So once your video is off, then karo na yaar, shuru karo. फिर एनर्जी लो हुई, फिर देखो. और सबसे बड़ा स्पीकर आपके अंदर है. द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज इनसाइड योरसेल्फ. गेट इन टच विद दैट. हु ऑलरेडी नोज व्हाट यू वांट, हु ऑलरेडी नोज व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ. डोंट वेट फॉर अदर्स. कितना टाइम डिपेंडेंट रहोगे यार किसके ऊपर? योर लाइफ शुड नॉट बी लाइक दिस. धक्का स्टार्ट गाड़ी नहीं बनना है हमें
कि किसी ने धक्का लगाया या डांट के या मोटिवेट करके तो मैंने काम किया. दैट मींस मेरा खुद का तो मिशन ही नहीं था. मिशन ढूंढो अपनी लाइफ का, अपने गोल सेट करो, खुद को चैलेंज करो, एंड दैट इज व्हेन यू विल फील मोटिवेटेड. व्हेन यू नो व्हाट मोटिवेट्स मी टू पुट इन ऑल दिस हार्ड वर्क फॉर यू, टू और थ्री थिंग्स. नंबर वन, आई एंजॉय दिस प्रोसेस. नंबर टू, आई नो समबडी सिटिंग समवेयर इन दिस हॉल इज गोइंग टू हैव दैट वन डिग्री शिफ्ट. नॉट एवरीबडी, बट समबडी, एंड दैट इज इनफ फॉर मी. तो जो कर रहे हो पहले उसकी प्रोसेस एंजॉय करना शुरू करो, फिर उसका एंड आउटकम देखो. ये जानो कि जो मैं कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है. इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज इंपॉर्टेंट, यू विल एक्सपीरियंस मोटिवेशन. मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है मुझे, यू विल एक्सपीरियंस मोटिवेशन. अगर ये लग रहा है कि ये चीज बेकार है, ये पूरा प्रोसेस बेकार है, आई कैन नॉट, जितना मर्जी स्पीकर्स उसको वीडियो सुना लो, इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो टू और थ्री थिंग्स बिफोर आई सम अप द आंसर. नंबर वन, it is unreasonable to expect that I should be motivated at all times. Not going to happen. It will actually be detrimental to your health. You won't be able to sleep. You will be an imbalanced personality. Number two, learn to strike the balance between being in a balanced state of mind and a motivated state of mind. There are times when you need balance. There are times when you need motivation. In a sport, where are my sports persons once again? Raise your hands. There's times when you need to be aggressive. There's times when you need to be calm. Agree? स्पोर्ट में भी वो टाइम होता है ना व्हेन यू नीड बैलेंस. इफ यू आर टू अग्रेसिव यू मेक स्टूपिड मिस्टेक्स. सेम विद लाइफ. इफ यू आर टू अग्रेसिव, टू हाइपर ऑल द टाइम्स, यू मेक स्टूपिड मिस्टेक्स. सो लर्न टू फाइंड दैट बैलेंसिंग पॉइंट. नंबर थ्री, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज इनसाइड यू. वी पीपल आर ट्रिगर्स. मोटिवेशनल स्पीकर क्या है? ट्रिगर है. मोटिवेशनल वीडियो क्या है? इट्स अ ट्रिगर. आई डोंट हियर यू. इट्स अ ट्रिगर. यू वॉच अ मूवी, इट्स अ trigger. You have positive triggers, you have negative triggers also. If a piece of music suddenly lifts you up, वो आपका positive trigger है. आप boredom में हो, वो आपका negative trigger है. क्योंकि boredom के बाद आप गलत चीजें करोगे, जिनको आप बाद में regret करोगे. जिसको भी कोई habit है, bad habit जिसमें आप जकड़े हुए हो, आप ये चीज mind में रखो, उसके patterns identify करो. Let's say मैं 2 घंटे PUBG पर बेकार करता हूँ, किसी को PUBG की addiction है. Assume. प्लीज फिगर आउट मेरा पैटर्न क्या है. क्या है माय पैटर्न? मैं फोन उठाने से पहले 15-20 मिनट क्या करता हूँ? मेरी स्टेट ऑफ माइंड कैसी होती है? मैं बोर्ड होता हूँ या मुझे लग रहा है मैंने काफी पढ़ लिया, अब मैं थोड़ा टाइम पबजी उठा लूँ, 15 मिनट के लिए फोन उठा लूँ, 15 मिनट के 2 घंटे. आपको प्रिसीडिंग पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि वो चीज करने से पहले मेरी थॉट प्रोसेस क्या होती है, उस पैटर्न को चेंज करना है. वंस यू लर्न टू आइडेंटिफाई इट कि अब मेरा शुरू हो रहा है, मेरा बोर्डम शुरू हो रहा है, मैं फोन उठाऊंगा और ये चीज करूंगा, बाद में रिग्रेट करूंगा, उस पैटर्न को वहीं चेंज कर देना. अब मैं कुछ और करता हूं, अब मैं 20 पुशअप्स लगा लेता हूं, अब मैं रनिंग कर लेता हूं, अब मैं एक सॉन्ग सुन लेता हूं. ब्रेक लेना अच्छा है, बट ब्रेक रिप्लेनिश करे ना यार माइंड को. प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. व्हेन यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडीज, व्हेन यू कम बैक टू स्टडीज, यू शुड बी फीलिंग रिफ्रेश, नॉट टायर्ड, नॉट गिल्टी, नॉट रिग्रेटिंग. रिग्रेट एंड गिल्ट आर द वर्स्ट इमोशंस यू कैन हैव व्हाइल स्टडीइंग. यू शुड बी फ्रेश एंड फ्री ऑफ ऑल द वरीज इन द वर्ल्ड. Your parents have taken care of your education. They have taken care of so many things. आपको free mind से focus करना है. और उस focus के लिए triggers जरूर ढूंढिए. आप songs हैं, books हैं, music हैं, speakers हैं, videos हैं. But ये realize कीजिए, trigger है, बारूद मेरे अंदर होना चाहिए. ये चिंगारी है, ये एक matchstick है. But I need the dynamite inside me, and that dynamite will only be available when you have a goal. I have to do something in life. That's when you will be pushed forward. So I hope that answers your question.